मैं जुड़ चुके सर आप मेरा नाम शाजिद खान है। थोड़ा जोर से शाजिद खान। शाजिद का नाम है, दरियागंज के निवासी हैं। और सर किस स्टेट से हैं? सर आई एम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग। मिस्टर इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट और मिस्टर दिल्ली के नाम से भी इनको काफी सारे अवार्ड मिल चुके हैं। सर आपको ये एक्सरसाइज में आए हुए या बॉडी बिल्डिंग के शौक कब से लगा? सर ये शौक एकदम बस बस बचपन से स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी प्रोफेशनल जो लाइन के अंदर आऊँ 2012 से आया, और 2012 में वाईएमसी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मिस्टर दिल्ली में गोल्ड है, मिस्टर इंडिया में सेकंड आया था उस टाइम। फिर अचीवमेंट बढ़ता चला गया मेरा इसके बाद, और मिस्टर दिल्ली 2014 में भी बना था, उसमें भी गोल्ड था, मिस्टर इंडिया में सेकंड आया था उस टाइम। 2016 में दोबारा अचीवमेंट करा, उसमें ओवरऑल विनर था मैं, गोल्ड मेडलिस्ट का। और 2019 में मिस्टर दिल्ली में गोल्ड मेडलिस्ट, वाईएमसी में गोल्ड है, मिस्टर इंडिया में सेकंड प्लेस थी। आप देख रहे हैं कि कितने सारे गोल्ड मेडलिस्ट के पोस्ट के ऊपर और कितने अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर और अच्छे अच्छे रिवार्ड ले चुके हैं। सर आपको ये दिल्ली ग्रामीण परिवार के साथ जुड़ के कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है, इसके साथ नया अचीवमेंट मिल रहा है, मतलब लाइफ के अंदर कुछ करने के लिए, इसमें हमें जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आगे कुछ और करने को मिलेगा इसके इसके साथ जुड़ के, और चीज़ें डेवलप होंगी हमारी भी। आप जब बॉडी बिल्डिंग के अंदर थे, आपने जैसे एक बॉडी बिल्डिंग के अंदर एक जिम के अंदर एक लाइन लिखी होती है, विदाउट पेन नो गेन, तो आप किस किस पेन से गुजरे हैं यहाँ तक? बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे, मतलब जो पेन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस सबको मैनेज करके आगे पहुँचे हैं। कितने कितने घंटे की आपकी एक्सरसाइज होती थी? सर कम से कम मॉर्निंग और इवनिंग मिला के 5 आवर्स की होती थी। कम से कम 5 घंटे डेली का अपने आप को तकलीफ में रखना पड़ता था। तो जब फर्स्ट टाइम आपको ये रिवार्ड मिला, उस टाइम कैसा लगा? सर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ होती थी उस टाइम, तो फर्स्ट आने के बाद जो खुशी होती है सर, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम कितनी खुशी होती है। और हम चाहते हैं कि डेली करेंगे सर, जुड़ने के बाद और ज़्यादा अचीवमेंट मिले हमें, और आपका सपोर्ट मिले, और हम भी सपोर्ट करें इस चीज़ को। नहीं, दिल्ली ग्रामीण परिवार की तरफ से आपको रिपोर्टर्स के तौर के ऊपर भी और अखबार के तौर पे भी आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। और उसके साथ साथ जो भी आज की यंग जनरेशन है, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे नशों के बारे में एक से एक नया नशा सुनते हैं, उसके करके बहुत सारे नौजवान या अच्छी उम्र के भी अपने आप को जिस्म को खराब करते जा रहे हैं, उनको आपको तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी सेहत का ध्यान दें और गलत चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी ना पड़े, कि आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आती जा रही है दिन ब दिन नशे के अंदर, लेकिन इसका कोई ऐसा अभियान चलाना चाहिए जो उससे हम उन सबको निकालें, कुछ ऐसा संस्था बनानी चाहिए जिससे जैसे दैनिक रैम में जुड़ गए उनके साथ जोड़ें, उनको कुछ सीखने को सिखाएंगे, या से कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए हमारे पास। आपके पास बहुत सारे बच्चे या और ट्रेनिंग भी लेते होंगे, तो उनको आप खुराक के बारे में कई बार आता है जैसे कि जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में बहुत सारे स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, बहुत सारे कैप्सूल लेने लग जाते हैं, या कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन करने लग जाते हैं कि बहुत जल्दी जिससे बॉडी बने, तो उनको आप क्या मैसेज देते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि गलती भी ना करें, कुछ ऐसी चीज़ें ले लेंगी हार्मफुल चीज़ें ले लेंगी, बॉडी सिर्फ टाइम के हिसाब से बनती है। मुझे भी 18 साल हो चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में, 18 साल का वर्ष आपको इस समय है, ये 19 साल चल रहा है, और मैं नई जनरेशन को यही बोलना चाहूँगा जल्दी बॉडी के चक्कर में किसी भी कोर्स से कोई ऐसा सप्लीमेंट ना लें जो बॉडी को दिक्कत करे, जिसे स्टेरॉइड हो गया, बहुत सारी चीज़ें लोग लेते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है लेना, बेकार है। तो आने वाले समय के अंदर इन चीज़ों से, फ्यूचर के अंदर अगर हम फ्रूट लेते हैं या अच्छी खुराक खाते हैं, बजाय उसके अगर हम कुछ भी स्टूअर्ट्स वगैरह लेते हैं या और मेडिसिन ऐसी खाते हैं जिससे कि बॉडी जल्दी बने, तो आपके लिए बेस्ट कौन सी रहती है? सर तो डाइट अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर जो प्रोटीन चाहिए होता है बॉडी को वो मिलेगा हमारी बॉडी के वेट के हिसाब से, तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा उसमें। तो अभी जैसे लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे कारोबार या बहुत सारे काम ऐसे हुए कि जिसमें जिम भी एक मॉल सिनेमा के साथ जिम भी बंद हुए थे, तो अभी आपको फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग है? सर यही प्लानिंग है कि आगे जाके अचीवमेंट करना, देश का नाम रोशन करना है सर जी, और आगे जाके इंटरनेशनल की तैयारी करनी है। ठीक है जी, और बस यही सर। देखिए सर का कहना है कि जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में, जल्दी अच्छी सेहत बनाने के अंदर में कोई भी ऐसी चीज ना लें जो बॉडी को खराब करती हो, बल्कि जो नेचुरल खुराक है वही लें। और जैसे सर का भी एक अपना उन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि अभी कोरोना के चलते ये विदेश में नहीं जा पाए, मिस्टर एशिया के लिए और मिस्टर अपने वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, खुद की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे और
पूरे दिल्ली क्राइम परिवार की तरफ से तो आपको शुभकामनाएं कि आप जल्दी से जल्दी वो अचीवमेंट लें, और दिल्ली क्राइम परिवार की तरफ से आपको जैसे भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी वो दिल्ली क्राइम परिवार आपके साथ पूरा सहयोग करेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी कि आपने हमें दिल्ली क्राइम में जोड़ा, ये हमारी खुश नसीबी है। सर स्वागत है आपका, और भी जैसे आपको कल भी किसी एक पर्सनैलिटी से मिलवाया था, आज भी एक पर्सनैलिटी से मिलवाया, आने वाले समय के अंदर सर की जो मेहनत होगी उनके भी हम वीडियो और पिक्चर आपको दिखाते रहेंगे कि हाँ हमारे साथ भी अच्छी सेहत के मालिक भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, अच्छी सोच के मालिक भी काम कर रहे हैं, और इसी के कारण आज दिल्ली क्राइम आगे बढ़ता जा रहा है और ये आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय दिल्ली क्राइम।